सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी भर खुश रहने के लिए आपको रिश्तों को बेहतर बनाने की जरूरत है। जब तक आप अपनी जुबा पर नियंत्रण नहीं रखते तब तक आप भविष्य पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे। सच्चाई सूरज के समान है, इसे आप कुछ समय के लिए छुपा तो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा रहता है। हर आदमी मरता तो जरूर है लेकिन हर आदमी वास्तव में सही ढंग से नहीं लेकिन हर आदमी वास्तव में सही ढंग से जी नहीं पाता। आज का पंचांग 3 नवंबर 2022 दिन गुरुवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 7:30 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र रात्रि 12:48 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:33 से 2:56 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगी। कन्या राशि 3 नवंबर 2022 दिन गुरुवार, आप अभी कुछ विपरीत लाभों का उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। आपका करिश्मा नए रिश्तों के लिए मार्ग बना रहा है। मित्र और भाई बहन आपके साथ जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। आज आपका पूरा ध्यान अपने कार्य पर होगा और उसके लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। चिंता न करें, इसका परिणाम बेहतरीन ही आएगा। आपका काम आपके अधीनस्थों को भी प्रेरित कर सकता है। कड़ी मेहनत के साथ साथ अपने मनोरंजन का भी ध्यान रखें। आप आज किसी अपराजय शक्ति कुंज के समान महसूस करेंगे और किसी भी विरोध पर आसानी से विजय हासिल कर लेंगे। आज के दिन उस काम को करने का बहुत अच्छा दिन है जो आप काफी समय से करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आज आपको कोई नहीं रोक सकता। आज के दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। आपके पिता की कोई सलाह आज कार्य क्षेत्र में आपको धन लाभ करा सकती है। लोगों और उनके इरादों के बारे में जल्दबाजी में फैसला ना लें। हो सकता है कि वे दबाव में हों और उन्हें आपकी सहानुभूति व विश्वास की जरूरत हो। रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा दिन नहीं है क्योंकि आप आज सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपके काम काज की सराहना होगी। आज का दिन फायदेमंद साबित होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें आपके पक्ष में जाएगी और आप हर काम में अव्वल रहेंगे। गलत फहमी के लंबे दौर के बाद इस शाम आपको जीवन साथी के प्यार का तोहफा नसीब होगा। सेहत से जुड़े कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। आज बिना किसी की मदद के ही धन कमा पाने में सक्षम होंगे। आज के दिन बिना कुछ खास किए आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब रहेंगे। आपके प्रिय का डावा डोल मिजाज आपको परेशान कर सकता है। आज आपके पास अपने धनार्जन की क्षमता को बढ़ाने के लिए ताकत और समझ दोनों ही होंगे। जो भी आपसे मिले उसके साथ विनम्र और सुखद व्यवहार करें। बहुत कम लोग ही आपके इस आकर्षण का राज जान पाएंगे। लोगों के दखल अंदाजी वैवाहिक जीवन में परेशानी खड़ी कर सकती है। अत्यधिक कार्यभार रहेगा लेकिन आप अपनी योग्यता से सब व्यवस्थित कर लेंगे और साथ ही अपनी व्यस्तम दिनचर्या में से कुछ समय सुकून और मौज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे। रिश्तेदारों तथा मित्रों के साथ वार्तालाप मेल मिलाप के भी मौके मिलेंगे। एक दूसरे के विचारों को समझने की वजह से गलत फहमियाँ दूर कर पाना संभव है। परिवार के किसी व्यक्ति के सामने अपनी योजना की चर्चा करने से नई योजना प्राप्त हो सकती है। नई बातें सीखने की कोशिश करें। काम संबंधित ट्रेनिंग के कारण नई जिम्मेदारी मिलेगी। विवाह संबंधित निर्णय अगले कुछ दिनों में लिए जा सकते हैं। सिर में भारीपन भी महसूस होगा। सावधानियाँ, अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने ज्यादा दिखावा करना उचित नहीं है। इससे आपके विरोधियों के बीच जलन की भावना आ सकती है।
साथ ही अपने व्यक्तिगत मामलों में किसी का हस्तक्षेप ना होने दें। घर के किसी सदस्य को आपकी मदद की जरूरत पड़ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। घर का वातावरण सुखद रहेगा, परंतु विपरीत लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय अपने मान सम्मान का भी ध्यान जरूर रखें। कोई खास दोस्त या सहकर्मी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में यह संबंध और भी मजबूत हो। नेटवर्किंग इस रिश्ते के लिए जादू का काम करेगी। बड़े भाई बहन या चाचा से कई महीनों के बाद मुलाकात की संभावना है। बिजी कार्यक्रम के कारण आज आपकी रोमांटिक जिंदगी में समस्या आ सकती है। आपको घर और कार्य में संतुलन बनाए रखना होगा। जीवन के बगीचे में अगर प्रेम के फूल चाहिए तो आपको अपने इस बगिया को अपने प्यार और विश्वास से सींचना चाहिए। आने वाले समय आपके जीवन का बेहतरीन वक्त है। तर्क और झगड़े में आज आपका दिन जा सकता है। अपने साथी के साथ आज किसी भी मुद्दे को उठाने से बचें। अगर एक व्यक्ति बोलना बंद करे तो झगड़ा अपने आप रुक जाए। इस समय शांत रहें, कोमल और प्यार का व्यवहार रखें। अपने साथी के तर्क को समझें और उसके वितर्क में कुछ भी ना बोलें। अपने साथी का ध्यान उन खुशनुमा पलों की तरफ ले जाएं जो आपने साथ बिताए थे। दिन थोड़े से छठी पहुंचाकर खत्म होगी। बात करते हैं करियर की। आपने पिछले कुछ दिनों में कुछ अधिक खर्च किया है जिसके आप आदि नहीं है। आज सतर्कता की अवस्था आपके अंदर रहेगी। आपके दृष्टिकोण में एक उल्लेखनीय बदलाव आएगा और आप अपने बजट को सख्त बनाने और धन संचय पर अधिक जोर देंगे। हालांकि आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा कि आपका धन बर्बाद और खत्म ना हो जाए। खुद पर विश्वास अच्छी बात है, किंतु दूसरों के परामर्श पर भी ध्यान दें, खासकर जब वो आपके दोस्त या शुभचिंतक हो। अतिरिक्त आय के लिए आप नेटवर्किंग या फ्रीलांसिंग का प्रयोग कर सकते हैं। अचानक कई घरेलू मुसीबतें आपको विपरीत कर सकती है, किंतु अपनी मंजिल से दूर नहीं कर सकती। काम के प्रति आपकी लग्न को कोई भी कम नहीं कर सकता, क्योंकि आप पूरी तरह से केंद्रित हैं। अपने भाइयों और अधिकारियों से तारीफ मिलने की भी संभावना है। आपकी कड़ी मेहनत और अच्छे परिणाम आपके साथ काम करने वालों को भी प्रेरित करेंगे। याद रखें, एक शांत समुद्र कभी भी आपको एक अच्छा नाविक नहीं बना सकता। व्यवसाय में नया काम शुरू ना करें, क्योंकि उचित जानकारी के अभाव में नुकसान हो सकता है। मार्केटिंग संबंधित कामों में ज्यादा समय ना दें, लाभ नहीं होगा। ऑफिस के सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल भी रहेगा। बात करते हैं सेहत की। खांसी जुकाम जैसी परेशानी रहेगी, परंतु लापरवाही ना करें तथा उचित इलाज लें, क्योंकि समस्या बढ़ भी सकती है। जीवन के अन्य क्षेत्रों के अनसुलझे मुद्दों से आपकी सेहत भी प्रभावित होगी। आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन काम और रिश्तों के तनाव के कारण आपको सोने आराम करने में समस्या आ रही है। पेट की परेशानियां भी है। इसका समाधान यह है कि आप इसे शारीरिक समस्या ना मानकर अपनी मानसिक तनाव से राहत पाने की कोशिश करें। आज का उपाय, आज भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें अति शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।